बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मीनूज किचन एंड आर्ट गैलरी। और ये मेरा है दूसरा व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ, ये मॉर्निंग के 4:48 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ जोधपुर की ओर। ये तो कैब है, ये कैब वाले भैया है और यहाँ मेरा बेटा बैठा है। और ये सुबह सुबह 4:48 का जो टाइम है तो अंधेरा हो रहा है और हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन हम पहुंचेंगे, ये तो हमारा रास्ता है। तो फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर में ही रेलवे स्टेशन पे। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं हमारा रेलवे स्टेशन। अभी हम बाहर ही हैं, गवर्नमेंट का मतलब जयपुर रेलवे स्टेशन जंक्शन आ गया है और अभी हम दूसरी साइड में हैं और बज रहे हैं 5 और अभी हमारी जो कैब है वो हमारा वैसे यू टर्न करेगी और हम पहुंच जाएंगे सीधा हमारे रेलवे स्टेशन पे। ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह अभी देखिए 5 बजे, ये जो देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। ओह माय गॉड, ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है हमारी कैब जो है रेलवे स्टेशन पे एंटर हो रही है। और ये देखिए 15:50 लगे नहीं, ये देखिए हमारे सामने लिखा हुआ आ रहा है जयपुर जंक्शन, आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो मैं नीचे उतर के आपको दिखाती हूँ, तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स, हम उतर चुके हैं हमारी कैब से। लो फ्रेंड्स, ये पकड़ो। फ्रेंड्स, ये जा रहे हैं हम जंक्शन के अंदर, स्टेशन के अंदर जो है घुस गए हैं और हम लोग अपना प्लेटफॉर्म वॉक देख रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म में आने वाली है तो देख रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरा बेटा आगे चल रहा है। एक बात तो है फ्रेंड्स, कोरोना काल के बाद ही यहाँ पे साफ सफाई जो है अच्छी हो गई है और लोगों में भी अब जागरूकता आ गई है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखा हुआ है लोगों ने, तो ये अच्छी ही बात है हमारे जयपुर के लिए। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब फटाफट से हम ट्रेन में बैठेंगे और चलेंगे जर्नी स्टार्ट करेंगे। ट्रेन जो है चल चुकी है, फिक्स 6 बजे चली है। अभी तो बिल्कुल स्लो है और अब एकदम से हो जाएगी फास्ट। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन का नज़ारा। और यहाँ पे मेरा बेटा अपना लैपटॉप खोल चुका है मूवीज देखने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, धीरे 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 हम ट्रेन में आगे बढ़ती जा रही है फटाफट। तो हमारी ट्रेन बहुत अच्छे से चल चुकी है और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने नज़ारे। फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ देख रही थी तो एक ना सॉल्ट लेक आई थी और जहाँ पे देख के बड़ा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि सॉल्ट लेक से सॉल्ट निकाल कर जो अलग अलग वहाँ पे जो सॉल्ट के रखे हुए थे ढेर, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बिल्कुल वाइट वाइट। यहाँ से पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन मैं देख रही थी तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। तो अगर आप जा रहे हैं जयपुर टू जोधपुर तो ये नज़ारे और ये बहुत ही लंबी लेक थी, तो देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, जोधपुर में एंटर हो चुके हैं और जोधपुर में एंटर होते ही देखिए कैसे ढोल नगाड़ों की आवाज़ आने लगी है, क्योंकि यहाँ पे ढोल नगाड़ों से फिरंगियों का भी स्वागत किया जाता है।
हम लोग पहुँच चुके हैं जोधपुर, ये जोधपुर का स्टेशन है नहीं? और यहाँ पे हमारी डॉल जो है, हमने आपको बताया नहीं, हमारी डॉल से मिलने के लिए हम लोग आए हैं। मेरी डॉल जो है वो वेट कर रही है हमारा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम लोग, जरा एक ट्रेन रुक जाए जब तो मिलेंगे हम सीधा घर पे। तो फ्रेंड्स हमें हमारी यहाँ डॉल मिल चुकी है और हम दोनों यहाँ पे अब चल रहे हैं स्टेशन पे, मतलब हम चारों। और अब आपको दिखाती हूँ जोधपुर का जंक्शन कैसा है। देखिए फ्रेंड्स, ये जोधपुर का हमारा जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, इधर देखिए जोधपुर की नक्काशी की गई है बहुत सुंदर तरीके से और इतना क्लीन है कि आप जब भी जोधपुर आएंगे आप मन से मुग्ध हो ही जाएंगे। इतनी सुंदर सुंदर पुराने तरीके से इसकी पेंटिंग बनाई गई है राजा महाराजाओं की। तो आप जरूर 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 आइए और राजस्थान की सैर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए बाय।